नमस्कार, स्वागत है आपका। एक ऐसे खिलाड़ी की बात करने जा रहा हूं जो कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ ही नहीं बल्कि आईपीएल का कोई भी मैच हो और उस मुकाबले में एक टीम के खिलाफ किसी एक खिलाड़ी ने सबसे ज्यादा रन बनाए हैं, तो वो खिलाड़ी है रोहित शर्मा, रोहित हिटमैन शर्मा। 904 रन कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ, ये आईपीएल का एक रिकॉर्ड है कि किसी इंडिविजुअल प्लेयर ने आईपीएल की किसी भी टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाए हैं, वो है रोहित शर्मा। तो ऐसे में दो तीन बहुत अहम अहम चीजें, दो अर्धशतक शुरुआत में ही लगा चुके थे और जिस तरह से बैटिंग कर रहे हैं वो ये बताने के लिए काफी है कि रोहित शर्मा दो अलग अलग तरीकों से खेले हैं इस आईपीएल की। अगर आप शुरुआती पारियां देखें उनकी, पहला उनका जो रूप दिखता है वो वैसा कि थोड़े आते हैं, सेटल होने में टाइम लेते हैं, फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर, फोर्थ गियर, फिफ्थ गियर, जो आम तौर पर किसी भी बल्लेबाज की अप्रोच होती है इनिंग्स को खेलते हुए। लेकिन रोहित शर्मा का जो दूसरा अर्धशतक आया वो किस तरह से आया, जरा उस पर गौर कीजिए, क्योंकि उसमें उनका स्ट्राइक रेट शुरुआत से ही 100 से अबव चल रहा था। आमतौर पर रोहित शर्मा क्या करते हैं, 10 गेंदे लेते हैं, 5 रन बनाते हैं, फिर 20 गेंदों में उनके रन जो है 18 हो जाते हैं, फिर तकरीबन 30 गेंदे लेकर वो 100 के स्ट्राइक रेट को पार कर देते हैं, यानी ग्रेजुअली वो धीरे धीरे अपना स्ट्राइक रेट बढ़ाते हैं। लेकिन अब जो हमने उनकी बल्लेबाजी देखी है थ्रू आउट दिस टूर्नामेंट, स्पेशली लेटर पार्ट ऑफ दी आईपीएल, उसमें हमने क्या देखा है कि रोहित शर्मा जो है वो लगातार आकर फिफ्थ गियर में बल्लेबाजी कर रहे हैं, मतलब शुरुआत से ही रन स्कोर करने शुरू कर रहे हैं। और सेम गोज विद क्विंटन डिकॉक, उनके साथ भी यही है कि वो बहुत ज्यादा स्लो अप्रोच नहीं रखते हैं। जैसे हम क्या देख रहे हैं पंजाब के बल्लेबाजों के अगेंस्ट, हम क्या देख रहे हैं कि पंजाब के बल्लेबाज यानी केएल राहुल जो है वो बहुत धीमा स्टार्ट लेते हैं और उसके बाद धीरे 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 आगे बढ़ते हैं और एट द वेरी लास्ट वो जाकर जो है अपने स्ट्राइक रेट पर काम करना शुरू करते हैं। लेकिन रोहित शर्मा का बिल्कुल रिवर्स अप्रोच है। तो क्या ये अप्रोच जो है वो उन्होंने इसलिए लिया हुआ है कि क्विंटन डिकॉक जो है वो थोड़ा सा सेटल हो सके, क्योंकि उनका गेम उस तरह का नहीं है क्विंटन डिकॉक का कि आते ही वो जो है बड़े बड़े चौके छक्के मारना शुरू कर दे। ये देखना दिलचस्प होगा कि रोहित शर्मा आज के केकेआर के रिकॉर्ड को देखते हुए, मतलब आज की तारीख में उनका जो केकेआर के अगेंस्ट रिकॉर्ड है, क्या उसे थोड़ा और बेटर कर पाते हैं। एक टीम के अगेंस्ट अगर वो 1000 रन बना देते हैं, यानी अगर रोहित शर्मा आज 1000 रन बना देते हैं तो 96 उनका इंडिविजुअल स्कोर होगा। तो ऐसे में अगर 96 रोहित शर्मा के बल्ले से निकलते हैं तो आप ये तो तय मानिए कि फिर मुंबई की जीत जो है वो लगभग लगभग पक्की है। लेकिन ये भी फिर एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाएगा कि रोहित शर्मा इज अ मैन इन फॉर्म और मुंबई इंडियंस के लिए इससे बड़ी खबर कुछ नहीं हो सकती और ओपोनेंट्स के लिए इससे बुरी खबर कुछ नहीं हो सकती, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया 2017 में जब मुंबई जीती तो रोहित शर्मा का कोई खास प्रदर्शन नहीं था बल्ले से, 2019 में जब मुंबई जीती तो भी कोई बढ़िया प्रदर्शन नहीं था। तो आप सोचिए कि जब विदाउट रोहित शर्मा मुंबई कैन अचीव टाइटल, तो रोहित शर्मा के चलने से कितना बड़ा असर होगा। तो आज देखते हैं कि उस टैली को, ये जो 904 रन की टैली है, इसको और कितना आगे ले जा पाते हैं रोहित शर्मा, क्योंकि उनका बल्ला चलना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है, क्योंकि टीम जो है उन पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट करती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इसके साथ साथ ये भी बताइए कि ये नई लोकेशन आपको कैसी लग रही है। बहुत बहुत शुक्रिया।